नमस्कार, सिमरन की रसोई डॉट कॉम में मैं सिमरन बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पालक के पकोड़े बनाएंगे। आज मैं पालक के पकोड़े हलवा स्टाइल में बनाऊंगी। इन्हें आप चाय के साथ या आपका जब भी मन करे इन्हें बनाकर खा सकते हैं। ये पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए पालक के पकौड़े बनाने की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। पालक के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है, 100 ग्राम पालक। पालक को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। सूजी से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। 1 इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच क्रश किया हुआ धनिया, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1-2 पिंच बेकिंग सोडा। और पकोड़े तलने के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम ये बेसन डाल देंगे, सूजी, प्याज, हरी मिर्च और अदरक। और अब इसमें हम ये पालक डाल देंगे। पालक डालने के बाद इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, क्रश किया हुआ धनिया, चाट मसाला, आधा हम चाट मसाला रख लेंगे, आधा हम बाद में यूज करेंगे, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, बेकिंग सोडा। अब सारी चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पकौड़े के लिए हम बैटर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं उसी तरह से इसका हम बना लेंगे घोल। ये पकौड़े बनाने के लिए हमारा मिक्सर तैयार है। मिक्सर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बस इस तरह की रखनी है जिससे कि ये अच्छे से इस तरह से बाइंड हो जाए। इधर हमने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। पकौड़े तलने के लिए हमें तेल अच्छा गर्म चाहिए। चेक करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा मिक्सर डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर तुरंत ऊपर आ रहा है। हमारा तेल पकौड़े बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम पकौड़े डाल देंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर इसमें हम डालते जाएंगे और एक बार में जितने पकौड़े आ जाए उतने ही डालेंगे। अब पकौड़ों को हम इस तरह से पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारे पकौड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट पे मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर लगा के रखा है जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दूसरे पकौड़े भी हम इसी तरह डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये पकोड़े भी हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो चुके हैं, इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये हमारे पालक के पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्प और कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। आप इन पकोड़ों को टोमेटो सॉस के साथ और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप भी अपने घर पे पालक के पकोड़े जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की ये पालक के पकोड़े की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ
बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।